मतलब पत्नी के अलावा और कोई आपको सपोर्ट और में कोई नहीं सपोर्ट था? नहीं किया सर, कोई सपोर्ट नहीं किया अभी। उसने बोला कि आप इस काम को कीजिए और मैं साथ हूँ। अब मेरा तो, मैं तो मेरा तो सोच है ही था सर, अब मेरा विचार था एज ए मैंने वकील आया हूँ और स्टार्ट किया। जानवर से बहुत प्यार भी है, लगाव भी है। आप 6 महीने के बाद आएंगे, ये 15 जो दिख रहे हैं ना सर, प्लस 50+ दिखेंगे आपको। जो लोग हंस रहे हैं उनके मुंह पर तमाचा मारने वाले हैं, वो मुंह बंद हो जाएगा। जो आज हंसते हैं ना, वो बोलते हैं ना असद जो करेगा कर रहा हूँ, ठीक कर रहा है, इस काम को हम भी करेंगे। अभी तो लोग बहुत हंसते भी हैं, मजाक बोलते, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। जब 50 बकरियाँ हो जाएगी, जब मेरा बड़ा सा फार्म बन भी जाएगा, जब उसमें से हर महीना बकरियाँ खसियाँ सेल होगा, तब लोग आँख में खुलेगा कि असद आपका मार रहा है, अब जो काम कर रहा है बकरी फार्म का, ये बेस्ट कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ मंथन एक नई सोच में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूँ औरंगाबाद में, और औरंगाबाद में एक हमारे साथ युवा किसान है जो गोट फार्मिंग की शुरुआत किए हैं, मात्र 23 दिनों से ये कर रहे हैं। आइए इनसे इनका अनुभव लेंगे और किस तरीके से इन्होंने फार्मिंग की शुरुआत किया, किस तरीके से इस फार्मिंग के क्षेत्र में आए, सारी चीज़ों की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे हम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम है अशरफ, MD अशरफ हुसैन। मेरा गांव का नाम पड़ेगा बड्डी कला, थाना बारून, जिला औरंगाबाद, बिहार। सबसे पहली सवाल सर, आप इस बकरी पालन के क्षेत्र में कैसे आए, क्योंकि आप पढ़े लिखे एक युवा हैं, ठीक है, आप बकरी पालन के व्यवसाय को ही क्यों आपने अपनाया? सर बकरी पालने की मेरा सोच सर ये प्रेजेंट 23 दिन से नहीं है सर जी। मेरा बकरी पालन मेरा 2 साल का प्लानिंग है, 2 साल का बाद में ये 2022 में स्टार्ट किया हूँ। सिर्फ अभी मेरा 5 बच्चे और खस्सी में लगे 15 बकरियाँ भी है। 15 बकरियाँ बकरी खस्सी, आपने 23 दिनों से आप शुरुआत किया। ये सर कहा जाता है कि जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है गोट फार्मिंग में, कोई किसान, कोई युवा सफल नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी किसान हो। जब पूरा आपका फैमिली का सपोर्ट है या नहीं है? ये तो सर सच है, मेरे वाइफ का 100+ सपोर्ट है, और सोच उनका भी था कि आप एज ए गोट फार्मिंग कीजिए, हम आपको सपोर्ट देंगे करेंगे, कोई सपोर्ट है। तो आज सर ये 15 दिख रहा है, आने वाला 6 महीने के बाद ये 50 दिखेंगे सर। ये सोच सर उत्पन्न कहाँ से हुआ? ये उत्पन्न सर हुआ मेरे अंदर, यानी मैं कहीं नैनीताल में देखा था जी, मेरा सीनियर का था, उस सीनियर ने किसी बकरी को पालन कर रहे थे, लेकिन बंगाल के नहीं कर रहे थे, ब्लैक बंगाल कोई दूसरा बकरियां था अभी। तो सोच वहां से आया सर, उसने देखा, उसने पुश किए, सपोर्ट किए कि जब बकरी पालन करेगा तो फ्यूचर में इससे ग्रोथ हो सकता है और कुछ नए बदलाव आ सकता है। नैनीताल में सर आप जॉब करते थे? नहीं सर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। अच्छा, तो वहाँ पे आपने देखा? वहाँ पर सर रूम पर गया था, तो वहाँ 16-17 बकरियाँ थी, तो उनसे पूछा सर इससे कुछ बेनिफिट मिलता है? बहुत बेनिफिट इससे है। तो बोला सर अशरफ करना चाहता है तुम्हारा एरिया में जो बकरियां हैं वही बकरी रखना, तो मेरे एरिया में सर ये वेस्ट बंगाल है। अच्छा, और कुछ जानकारी हम मिला होगा वहां से जो हमारे किसान भाई के लिए एक अच्छा साबित होगा, ये थोड़ा सा बताएं, ताकि आपके माध्यम से भी कुछ लोग जान पाए इसके कि वहां पर क्या क्या आपने देखा और किस तरीके से आपने फील किया इसको, ये सब बताएं। सर वहां जो बकरियों को देखे ना सर, वो सब बकरी मैंने जो आता है तोता परी सर, आपको बकरियाँ बड़े बड़े सब बड़े बकरियाँ था, ये सब बड़े नस्ल की बकरियाँ थी, ये सब बकरियाँ नहीं थे अभी। तो वहाँ से देखा सर ने बोला सर इस बकरी से ना खिलाने पिलाने से साल में कम से कम 2-3-4 लाख रुपये आ सकता है। हम बड़ी से बैजे बोले सर आपके कमाते हैं सर, कहते एक बकरी से कम से कम जो बकरी खसी बता रहे सर 35,000-40 में सेल करते हैं सर। तो वहाँ से उत्साहित हुआ अभी कि मैं जी इसको पार्ट टाइम करेंगे तो भी फुल टाइम में आ जाएंगे सर। तो सर दुकान के साथ साथ में ये 15 बकरियाँ हैं सर, बहुत जल्द 6 महीने के बाद सर ये 50 बकरियां हो जाएंगी। आपने किराना के भी दुकान चला रहे हैं? ऐसे किराना दुकान है सर, उसमें कपड़े का दुकान भी है, चप्पल का भी है, सिंगार का भी है। तो किराना की दुकान करते करते ये बकरी पालन का व्यवसाय, दोनों चीज कैसे संभल पा रहा है हमारे किसान बंधु को भी? सर ऐसे कोई चाहे सर अकेले व्यक्ति में 10 काम कर सकते हैं सर, नहीं असंभव नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, किसी ना किसी का सपोर्ट होने चाहिए, या घर वालों का हो या एज वाइफ का हो। तो मेरा सपोर्ट सर एज वाइफ का भी है, वो दुकान संभालती है, मैं भी संभालता हूँ, वो दुकान संभालती है तो मैं इधर करता हूँ, उनका दोनों आदमी मिलकर, हाँ दोनों मिलकर करते हैं। जब मैं दुकान में हूँ तो ये संभालती है। तो ये 23 दिनों के अनुभव में आपने ये सर बकरी का जो कलेक्शन किया, आपने पूरा का पूरा ब्लैक बंगाल आपने रखे हुए हैं, तो ये कहाँ से सर लाएं और कैसे इकट्ठा किए ये सब इतनी सारी जो आपने? सर मेरे घर का एक भी पीस नहीं है, एक भी नहीं, एक भी पीस मेरे घर में, मेरे घर में कोई बकरी पालता भी नहीं है सर। अब बकरी पालन से सर मेरे घर बहुत दो कुछ दूर रहते हैं, दूर रहते हैं, क्यों ऐसे? इसलिए उनको बहुत इस काम में बोलते घिन आता है, ये बोलते हैं ये बकरी पालन इससे बढ़िया कि जानवर रखो, गाय रखो, भैंस रखो, घर वाला सपोर्ट किए, तू भैंस रखो, गाय रखो, ये सब मत रखो भैया, तू पढ़ा लिखा
ये फाइनल कर चुका है, नहीं तो दुकान किया, दुकान में पूरा टाइम दो। मतलब पत्नी के अलावा और कोई आपको सपोर्ट और में कोई नहीं सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया अभी। उसने बोला कि आप इस काम को कीजिए और मैं साथ हूँ। अब मेरा तो सोच है ये था सर, अब मेरा विचार था एज ए मैंने वकील आया हूँ और स्टार्ट किया। गाँव वालों का सर किस तरीके का अनुभव रहा, क्योंकि गाँव वाला अधिकतम ज्यादातर देखने को मिलता है जो युवा वर्ग के लोग इसमें आते हैं, पढ़े लिखे जो लोग आते हैं इसमें, तो काफी उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगल बगल वाले काफी ताने मारते हैं सर, बहुत ताना मारते हैं। जब भी जनाजा पड़ता सुबह सब बोलते हैं सर तू पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये सब काम कर रहा है, ये सब काम ठीक नहीं है, बकरी जात ठीक नहीं होता है, दुकान के रही उन लोगों को डिमोशन कर देता है। जब मैं डिमोशन होता हूँ सर तो सुधीर सर को वीडियो देखता हूँ। अच्छा, सुधीर सर से भी आप जानते हैं उनको? हाँ, सुधीर से जानते हैं, यूट्यूब के माध्यम से जानता हूँ सर, वो हमको गाइडेंस करते हैं सर। अच्छा, कभी बातचीत होता है उनसे? हाँ, बातचीत फोन से होती है, कभी बिजी रहते हैं तो व्हाट्सअप से माध्यम से बताते हैं। कोई किस तरीके का परेशानी हुआ हो जो सुधीर सर आपको बताए होंगे ऐसा कुछ? हाँ सर, मेरे बकरी के खांसी हो गया था तो कोई आपको बायनोरिया प्लस को बताया था सर, कंठस याद नहीं है, तो दवाई लाए नहीं हूँ, लाने वाला हूँ। उससे पहले कि बकरी सादा जो बैठी हुई है सर, इसको बहुत मैंने लूज मोशन हो रहा था अभी। अच्छा। बहुत हो रहा था अभी, हम बोले कि ये क्या होगा सर, खरीद के लाया आपसे, मतलब शुरुआत जब आपने किया उसी समय जैसे मैं उठा सासाराम से खरीद के लाया, घर लाया, चालू हो गया, खाना छोड़ दिया इसने, हाई लाइटिंग कर रहा है, सिर्फ लाइटिंग कर रहा है, हमसे क्या करे तो क्या करे, तो मुझे याद है मुझे बहुत पहले लूज मोशन हो रहा था सर। घर वाला बोला देंगे तीन चपत्ती फाको ठीक हो जाएगा, हम इस्तेमाल इसी पे करता हूँ। मतलब आपने अनुभव जो भी लिया है यूट्यूब चैनल को देख करके, जो लोग ये कहते हैं कि चैनल पर झूठ मूठ करके लोग आते हैं, ज्ञान अपना दे करके चले जाते हैं, उनके लिए तो ये देखिए किस तरीके से आपने अनुभव लिया, उसको एक ट्रेनिंग के रूप में आप ले करके और इस पर आप कर रहे इस्तेमाल, अभी कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब में देखता हूँ तो हमको तो गलत नहीं लगता सर, कि फेक बात नहीं होती है। अगर मैं आज से बात कर रहा हूँ तो मैं फेक बात नहीं कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सच्चाई बात बता रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो इस क्षेत्र होते हैं सर जो फेक बात करते हैं, लेकिन सर जो हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं ये फेक नहीं, ये रियल है बिल्कुल। ये सर आपने जब इस गांव में अपना फार्मिंग की शुरुआत किया तो सर आपने जब आप बता रहे हैं कि 15 बकरियां आपने लाए हैं सर, कहां से लाए थे और कहां कहां से आपने ये कलेक्शन किया इतने सारे सासाराम में, आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले? हाँ, सिर्फ सासाराम से एक बकरियां, उसका दो बच्चे हैं। अच्छा। बाकी सब अपने जवार से खरीदे हैं सर, अपने गांव के अगल बगल एरिया से खरीदे हैं। तो कुछ अनुभव हमारे दर्शक बंधु को बताएं कि किस तरीके से रख रखाव कर रहे हैं आप और किस तरीके से खान पान इन सारी बकरियों को मैनेजमेंट कर रहे हैं। सर ये विकास जी बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं सर, ये 23 दिन का नॉलेज है, जो भी नॉलेज बटोरता हूँ यूट्यूब के माध्यम से बटोरता हूँ, एज ए मैं ट्रेनिंग लिया नहीं हूँ। सुधीर सर बोले हैं जब ट्रेनिंग हुआ तो अभी ट्रेनिंग चल रहा है, लेकिन बरसात के मौसम से अभी उनका मीटिंग अटेंड नहीं किया, बरसात के कारण आपने ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम होगा कोशिश करेंगे उस मीटिंग अटेंड करेंगे जी। लेकिन अब रख रखाव का बात है सर, अभी सर बताए 15 बकरियां टोटल अभी है बच्चे में, आगे मैं सर लीज पर जमीन लिया हूँ पर भी सर 5 कट्ठे हैं, वहाँ फार्म बनाएंगे सर अभी। और दूसरी बात ये है सर कि अभी 9 बकरी आप खरीदा भी हूँ, जो 9 बकरी गाभिन है अभी फार्म में लाया नहीं हूँ, लेकिन नहीं लाया इसलिए स्पेस कम है, लेकिन बांस नहीं ना मिलने के कारण वो फार्म बनाया नहीं हूँ। जैसे मुझे बांस मिल जाएगा, चाहे 2 दिन मिले या 5 दिन मिले, मैं वहाँ बनाऊंगा और जो 9 बकरियां हैं वो लाऊंगा। 9 बकरियों में सर कल मुझे पास 4 बकरियां आ जाएंगी, 9 बकरियां में सारे के सारे प्रेग्नेंट हैं? हाँ, सारे प्रेग्नेंट हैं। कहाँ से आपने लिया? सब अपने देहात से खरीदे हैं, गाँव से ही खरीदे, गाँव से खरीदे हैं। तो इसको और फार्म को बड़े स्तर पे ले जाना है? हाँ, सोच है बड़े स्तर ले जाने के लिए सर, तभी तो बिजनेस मैं स्टार्ट किया हूँ। आप सर एक सवाल पूछते हैं कि रख रखाव के बारे में, खान पीन सर? जी, बिल्कुल। रख रखाव में सर जो देखा छोटा सा ये स्पेस है जो है सामने सर, आप बिल्कुल रहेगा खान पीन की सर, खान पीन देता हूँ सर, चना की भूसी देता हूँ और आपको ये सर मसूरी की भूसी देता हूँ, खेसारी की भूसी देता हूँ, वो गाँव से खरीदा था, पलायन था बहुत पहले से, लेकिन अटेंडम ले खरीद के लगाया हूँ और वो खिलाता हूँ, उसको देता हूँ सर, चना जो भूसी है सर मसूर की भूसी शाम में देता हूँ और जो गोहूँ का भूसी है वो सर सुबह में देता हूँ और दोपहर में कुछ नहीं देता हूँ। एक हमारा जो खुद का अनुभव है सर, हमारे पास भी किराना का दुकान है, भाई साहब चलाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे वेस्टेज निकलते थे, बहुत सारे मूस वगैरह काट देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का अगर इसमें अगर किया जाए तो उससे फ़ायदा होगा या नुकसान? नहीं, फ़ायदा होगा सर, मेरे पास क्या सर, हाँ करते हैं सर, हमें चना लाया था करीबन 35 किलो, 30 किलो लाया, उसमें से 16-17 किलो बिक गया, बोला बूंद बंदा हो रहा गया, नहीं बिक्री हुआ, नहीं ध्यान दिए, सारा घुन गया, सारा नहीं घुन गया, 100 में से आपको 25% घुन गया, वो खा गया जब कीड़ा जो भी, जो बचा उसको मिल में पिसवा दिया, पिसवाने के बाद सर उसको बाफ कर, मकिया के द्वारा बाफ कर, थोड़ा सा
आटा बाप कर उसको आग पे उबालते हैं, उसके बाद पिलाते हैं जो सामने रखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि आप दाना में दे रहे हैं उसको, तो आपके पास 23 दिनों का अनुभव है, ठीक है। लेकिन किसी तरीके का परेशानी एकाएक आपको दिखेगा तो उस समय आप क्या कीजिएगा सर? एक एक जो परेशानी सर, हिम्मत से सर, एक अच्छा बिजनेस सर, डरना नहीं चाहिए सर, लड़ना चाहिए सर जी। परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तभी सीखेगा आदमी में सर, और सीखेगा नहीं तो सर उसे उस आगे बढ़ेगा नहीं फ्यूचर में सर। बिल्कुल, परेशानी आने के बाद भी नॉलेज खुलता है सर, जब परेशानी आएगी नहीं, हिम्मत आएगा नहीं सर। बिल्कुल नहीं। हरे चारा के बारे में हमारे दर्शक बंधु को बताएंगे थोड़ा सा कि हरे चारा में आप दे रहे हैं अपने बकरियों को, क्योंकि ज़्यादातर किसान को हम मुँह से ये सुने हैं कि हरे चारा का अगर परिपूर्ण मात्रा में दें तो बकरियों की तंदुरुस्ती बढ़ी रहती है, और साथ ही इसका सर मतलब फीड कॉस्ट काफ़ी कम होता है। ये तो बात सच है सर, 100% भी। अगर चारा देंगे जो अभी मेरा प्रतिदिन जो 15 बकरी में खर्च है सर, 25 से 30 से पड़ जाता है प्रतिदिन, पड़ता है अभी, छोटे बच्चे भी हैं बकरियाँ भी हैं, लेकिन हरा चारा का सर अभी व्यवस्था नहीं किए हैं, व्यवस्था है किए नहीं है, ऐसा टाइम नहीं है। कब करेंगे सर? जो और 9 बकरियाँ खरीदे हैं सर, बगल में जो सेटअप बन जाएगा तब हरा चारा व्यवस्था करेंगे सर, अब इसी से काम चल रहा है सर। भविष्य में सर और आपका क्या योजना है? सर भविष्य में योजना है सर, ये 15 पर रुकना नहीं है सर, बड़े स्तर पर सर योजना के बड़े स्तर पर ले जाए इसका सर, मतलब 100 पार कर जाएंगे सर, 100 से बेसी हो सकता है सर, कम नहीं हो सकता। जगह की तो काफी जरूरत होगी सर, जगह कमी नहीं है सर, जगह है, जगह क्या है, जगह है तो उसको 500 बकरी आट सकती है सर, इसलिए छोटा स्तर से किए हैं सर सीखने के लिए। भविष्य में सर कि हमको बड़ा स्तर बजाना है, मतलब आप 15-20 बकरियों से आप शुरुआत किए हैं और इसी पर अनुभव ले करके आप इसको 100 तक पहुंचाना है, 200 तक पहुंचाना है। अगले 6 महीने के बाद हम अगर आए तो इस रखे कि हाँ भाई आप 100 पे चले जाएंगे या 50 पे चले जाएंगे, 50 प्लस रहेंगे? विकास जी असब जो कहता है वो करता भी है, सच्ची बात है, हिम्मत की बात है, जोश का जुनून की बात है जी। और इसमें हम 100% दिए भी हैं, मेहनत भी करते हैं और दिख भी रहा है, बहुत जानवर से हमको बहुत प्यार भी है, लगाव भी है। आप 6 महीने के बाद आएंगे, ये 15 जो दिख रहे हैं ना सर, प्लस 50+ दिखेंगे आपको। जो लोग हंस रहे हैं उनके मुंह पर तमाचा मारने वाले हैं सर, वो मुंह बंद हो जाएगा। जो आज हंसते हैं ना वो बोलते हैं ना, असद जो करेगा कर रहा हूँ, ठीक कर रहा है, इस काम को हम भी करेंगे। अभी तो लोग बहुत हंसते भी हैं, मजाक बोलते, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। जब 50 बकरियाँ हो जाएगी, जब मेरा बड़ा सा फार्म बन भी जाएगा, जब उसमें से हर महीना बकरियाँ खसियाँ सेल होगा, तब लोग आँख में खुलेगा कि असर आपका मार रहा है, अब जो काम कर रहा है बकरी फार्म का ये बेस्ट कर रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शक बंधु के दिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाँव के एक युवा किसान कैसे इस गोट फार्मिंग में एक नई सफलता की राह पर चलने के लिए तत्पर और तैयार है, और अभी कर भी रहे हैं पूरी तरीके से, 100% दे भी रहे हैं। वीडियो एक कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका अनुभव हमारा हौसला बढ़ा सकता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।